नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि फोरेंसिक टीम की तफ्तीश में ये बात सामने आई है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। पुलिस ने देर रात कई इलाकों में छापेमारी भी की, दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ था। लुटियंस जोन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर जिंदल हाउस के पास इजरायल दूतावास के पास जहां ब्लास्ट हुआ, वो जगह विजय चौक से करीब 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त विजय चौक पर ही बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके से क्राइम ब्रांच की टीम को आधा जला हुआ एक दुपट्टा और इजरायली राजदूत के नाम एक लिफाफा मिला है। बताया जा रहा है कि इस लिफाफे के अंदर से एक चिट्ठी भी मिली है। इसमें ये तो ट्रेलर है लिखा है। फिलहाल फोरेंसिक टीम अब फिंगरप्रिंट की जांच करने में जुट गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी से दो संदिग्धों की पहचान भी की है। ये कैब से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही इसके आधार पर संदिग्धों का स्केच भी तैयार किया जा रहा है। बताते चले कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार शाम करीब 5 बजे ब्लास्ट हुआ। गनीमत रही कि दूतावास की इमारत से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुए इस ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ। ब्लास्ट से आसपास खड़ी 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। यहां यह भी बता दें कि शुक्रवार को ही भारत इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह थी और इस दिन ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट को लेकर भारत और इजरायल के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाज़ी से बात की है। हमने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है, घटना की जांच की जा रही है और दोषियों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दूतावास और वहां काम करने वाले डिप्लोमेट्स को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। इजरायल के राजदूत रॉन मल्का का कहना है कि यह घटना दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की 29वीं सालगिरह पर हुई है। हमलावरों और उनके मकसद का पता लगाने के लिए हम भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली के अति सुरक्षित इलाके में हुए इस ब्लास्ट के बाद देश भर के 63 एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इससे पहले फरवरी 2012 में भी इजरायली दूतावास की एक कार को निशाना बनाया गया था। भारत में इजरायल के राजदूत की कार में 13 फरवरी 2012 को ब्लास्ट किया गया था। इसमें राजदूत के ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हुए थे। वहीं एयरपोर्ट्स के साथ महत्वपूर्ण संस्थानों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग और क्राइम ब्रांच के अफसरों समेत बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान खुफिया एजेंसियों को पुलिस की मदद करने के लिए कहा गया, साथ ही पुलिस को भी जांच जल्द पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया। उधर किसान आंदोलन, दिल्ली हिंसा सहित इजरायली दूतावास के पास हुए बम विस्फोट की हुई घटना से उपजे माहौल को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा फिलहाल टाल दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.